व्यक्ति सुनीति से प्रेम तो करता है, शास्त्र की बात अच्छी तो लगती है, कथा में ब्राह्मण कथावाचक जो समझाता है वो समझ में तो आता है, लेकिन मनमानी कहती है बेटा कितना भी खोपड़ी हिला ले घर जाकर के तुझे पता चलेगा। पंडित जी ने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, शास्त्र की बात है, 5 किलो की खोपड़ी को हिला देगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन घर गया, घर जाकर के मनमानी ने पकड़ लिया। इतना बड़ा परिवार है, झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा, और जब व्यापार नहीं चलेगा तो धन कहाँ से इकट्ठा होगा, और धन इकट्ठा नहीं होगा तो परिवार का पालन कैसे होगा। घर में यज्ञ कराएगा, अनुष्ठान कराएगा, ब्राह्मण देवता ने सामग्री लिख दी, शास्त्र की बात है, लेकिन बाजार में गया तो जाकर के पूजा वाले से कहेगा भाई ये सामग्री निकाल दे, ये जरूर कह देगा पूजा के लिए चाहिए, अपने लिए बढ़िया, पूजा के लिए हर चीज पूजा की दो नंबर की आती है बाजार में। अब दुकान वाले भी बड़े चतुर हो गए। अभी मैं एक साधक के साथ कहीं गया, सामान ले रहे थे वो, जैसे ही दुकानदार के पास पहुंचे उसमें 5 किलो घी लिखा हुआ था, उसने कहा किस लिए चाहिए, तो बोले हवन के लिए चाहिए, तो उसने जो घी दिया वो 120 रुपए किलो था। तो मैंने कहा भाई ये कौन सा घी है इतना सस्ता घी, बोले महाराज पूजा के लिए यही जाता है। खाने के लिए 500 रुपए किलो वाला और भगवान के लिए 100 रुपए किलो वाला है? घर जाएगा बच्चे के लिए बढ़िया वाले फल लेके जाएगा, डिलीशियन सेब लेके जाएगा, बच्चे के लिए बढ़िया कुरकुरे लेके जाएगा, और भगवान की कथा में आएगा तो खट्टे वाले लेके आएगा, 20 रुपए किलो वाले। भगवान की कथा में आएगा वो मुरमुरे ही लेके आएगा। शादी में जाएगा 500 के नोट उड़ाएगा, और भगवान की कथा में आएगा पर्स खोलेगा सबसे छोटा नोट देखेगा, वो भी ऐसा जो कहीं चले ना, जो कहीं नहीं चलता वो भगवान की कथा में चल जाता है। सुनी जी मनमानी, शास्त्र की नीति से कार्य करोगे तो आपको ध्रुव की प्राप्ति होगी, और अगर मनमाने ढंग से कार्य करोगे तो एक दिन तुम्हें ऊर्ध्वगतेन तमः अंधकार में जाना पड़ेगा।